फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप लोग? ओके, तो आज का अपना सेशन होगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइप है, गेट मैथ्स से रिलेटेड. ओके, तो टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो नॉर्मली फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर के प्रॉब्लम थे. यहाँ पर क्या होगा, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. नॉर्मली कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले प्रॉब्लम आएंगे. तो इसका फॉर्मेट वगैरह कैसे होता है जरा अच्छे से देखना. चलिए फिर अपना आज का मैजिक स्टार्ट करते हैं. ओके, सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. एंड वन शुड नो दैट फॉर्मेट इज डी टू द पावर एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन ओके इंटू डी टू द पावर एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर एन माइनस टू इंटू आई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन इंटू आई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स. याद रहे दोस्तों, यहां पर कैपिटल एक्स होता है फंक्शन इन एक्स. कैपिटल एक्स क्या होता है? फंक्शन इन एक्स. यहां से सब में वाई कॉमन ले लो. एक काम करते हैं अपन, लेट डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी सो डी टू द पावर एन प्लस ए वन इंटू डी टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू इंटू डी टू द पावर एन माइनस टू इंटू सॉरी प्लस एन डॉट 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 प्लस ए एन इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स. ओके, अब ये पूरे टर्म को हम एक नाम दे देंगे, एफ ऑफ डी. क्या नाम देंगे इसको? एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स. इक्वेशन वन, वेयर एफ ऑफ डी इज डी टू द पावर एन. देखो अच्छे से, ए वन इंटू डी टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू इंटू डी टू द पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन. ओके दोस्तों, सो ए वन ए टू ए एन दीज आर द कॉन्स्टेंट्स आर द नंबर्स, उसकी जगह कोई नंबर आएगा. ओके, यहां पर इसको बोला जाएगा एलडी विथ कॉन्स्टेंट कोई, मतलब ये भी एलडी है, उसी को अपन ने रिड्यूस किया है इस फॉर्मेट में. ओके, सो इसको बोला जाएगा एलडी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट नॉर्मली ऑफ हायर ऑर्डर. हायर ऑर्डर यानी दो तीन चार पांच उसका पावर होगा. सॉरी पेन गिरा. हाँ, अब देखो यहां पर होता है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज गिवन बाय, अब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा ना, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. क्या होता है इसका सॉल्यूशन? सी एफ प्लस पी आई होता है. एक सेकंड, फंक्शन इन x. इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते चलो दोस्तों, आज हम इसका बेसिक ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक ही पढ़ेंगे हम. सी एफ इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. सी एफ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. पी आई इज पर्टिकुलर, कौन सा कुलर? पर्टिकुलर इंटीग्रल. ओके, अब एक बात याद रहे, हाँ, इफ इन इक्वेशन वन आर एच एस इज इक्वल टू जीरो, यहां पर इस फंक्शन की जगह राइट हैंड साइड अगर जीरो रहा, राइट हैंड साइड मान लो इफ आर एच एस इज इक्वल टू जीरो दैट इज कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ये नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, अच्छे से देख लो, बेसिक बातें हैं आज. सो इफ इन इक्वेशन वन कैपिटल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज नॉन होमोजीनियस
नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके अलावा देखो अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है, मेथड्स टू फाइंड सीएफ। और हां इफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो देन पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो होता है। मान लो राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन ही नहीं है, जीरो है वहां पर, तो वहां पर पीआई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, जीरो होता है। दोस्तों अच्छे से ये बातें याद रखना है, एक एक पॉइंट नोट कर लो, सिंपल से मैं बता रहा हूं आपको, इसका कोई एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। एलडी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का कोई एग्जांपल, डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल टू सपोज साइन टू एक्स, तो ये हुआ आपका एफ ऑफ डी और ये हुआ आपका कैपिटल एक्स। हाँ सॉरी एग्जाम्पल नहीं, एफ ऑफ डी क्या है यहाँ पे, वाई को छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड में जो बचता वो आपका एफ ऑफ डी है, एंड कैपिटल एक्स क्या है साइन टू एक्स। यहां पे अलग अलग एग्जाम्पल आप कितने भी सारे लिख सकते हो, ओके चलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बात याद रखो और एक नोट, डीवाई बाय डी एक्स यानी डीवाई होता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर यानी डी स्क्वायर वाई होता है, एंड सो ऑन, डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू यानी डी क्यू वाई होता है। ये बात याद रहे आपको, ओके। सो यहां पर आज का पॉइंट अपन पढ़ेंगे, मेथड्स टू फाइंड सीएफ, व्हाट इज सीएफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सीएफ फाइंड करने के लिए लगता है सब में पहले, लेट एफ ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो बी ऑक्सिलियरी इक्वेशन। ऑक्सिलियरी इक्वेशन जो होता है तो उसपे से अपन क्या करते हैं, सीएफ फाइंड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से उसके। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रूट्स, जैसे इंसान का नेचर होता है वैसे रूट्स का भी तो नेचर होता है। रूट्स किसके होते हैं, इक्वेशन के होते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट यहां पे याद रहे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स किसके रहे भाई, सो दोस्तों रूट्स होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, ओके। और ऑक्सिलरी इक्वेशन किसका होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। सो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, से डी इज इक्वल टू एम वन कॉमा एम टू कॉमा एम थ्री कॉमा एम फोर एंड सो ऑन आर रियल एंड डिफरेंट रूट्स, आर रियल एंड डिफरेंट रूट्स। देन सी एफ इज इक्वल टू सी वन इंटू द पावर एम वन एक्स, जितने अलग अलग रूट्स उतने अलग अलग कॉन्स्टेंट ई के पावर में पुट कर देना, खत्म। प्लस सी थ्री इंटू द पावर एम थ्री एक्स प्लस एंड सो ऑन, कितने भी रूट्स आने तो कॉन्स्टेंट दे देने का और आगे बढ़ने का। फॉर एग्जाम्पल डी इज इक्वल टू टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, देन सी एफ होगा सी वन इंटू द पावर टू एक्स प्लस सी टू इंटू द पावर थ्री एक्स प्लस सी थ्री इंटू द पावर फोर एक्स। ओके देख लो अच्छे से, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, कितने भी आने दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज बेसिक पढ़ते हैं दोस्तों, जितना होगा उतना रिमेनिंग पार्ट हम फिर बाद में कल स्टार्ट करने वाले। दूसरा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो ऑक्सिलियरी इक्वेशन होगा उसके रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल डी इक्वल टू एम वन इज इक्वल टू एम टू, ओके देन सी एफ क्या होगा सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू इंटू द पावर एम वन एक्स, सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू इंटू द पावर एम वन एक्स। ओके उसके बाद में तीन रूट्स अगर आए तो क्या,
सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू द पावर एम वन एक्स इक्वल मतलब क्या, टू कामा टू दो हो गया ना इक्वल, टू कामा टू कामा टू तीन हो गए इक्वल। ओके तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल में। अब देखो थर्ड पॉइंट होता है रूट्स आर इमेजिनरी। अब बहुत बार क्या होता है रूट्स इमेजिनरी आ जाते हैं, आपको मैं जब प्रॉब्लम लूंगा तब समझाऊंगा अच्छे से। ओके रूट्स आर इमेजिनरी मतलब मान लो डी इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस बीटा आर इमेजिनरी रूट्स, आर इमेजिनरी रूट्स देन व्हाट वी हैव टू डू देन, देन सी एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ बीटा एक्स। याद रहे d इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अगर ऐसा है तो रूट्स होते हैं सी एफ इज इक्वल टू सॉरी देन सी एफ होता है ई टू द पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ बीटा एक्स। फॉर एग्जाम्पल d इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस टू आई देन सी एफ आएगा इसका अल्फा यानी यहां पे माइनस वन है और बीटा यानी यहां पे दो है। यस ये होगा आपका रूट्स आर इमेजिनरी। अब इसमें और एक होता है इमेजिनरी रिपीटेड आया तो क्या, देखो अच्छे से फोर्थ थिंग इफ रूट्स आर इमेजिनरी रिपीटेड, इफ रूट्स आर इमेजिनरी रिपीटेड, इमेजिनरी रिपीटेड मतलब d इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा कॉमा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा देन सी एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस ऑफ बीटा एक्स सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स। ये बात याद रहे अच्छे से देख लो एक एक स्टेप कितना टाइम, हाँ ठीक है अभी है चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद में मेथड्स टू फाइंड पी आई, पहले तो पी आई का फॉर्मूला मैं लिख देता जितने होंगे उतने आज मेथड्स नॉर्मली मैं आपको आज दो मेथड्स बता देता हूं आराम से बताता हूं। पी आई वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन कैपिटल एक्स, डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव एंड वन बाय डी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन। ये बात याद रहे पूरे टॉपिक में आपको समझना होगा डी का मतलब डेरिवेटिव होता है और आई का सॉरी वन बाय डी का मतलब इंटीग्रेशन होता है। ये पी आई का फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला टू बाय शॉर्टकट मेथड वी कैन फाइंड पी आई, मेथड टू फाइंड पी आई बाय शॉर्टकट मेथड। यस नाम ही है शॉर्टकट मेथड, खुद खुद प्रॉब्लम इतने लॉन्ग होते हैं कि वो शॉर्टकट रहता ही नहीं। सो इसमें पहला है पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन ई टू द पावर एक्स, तो इस केस में अपन क्या करते हैं पुट डी इज इक्वल टू ए। ओके इतना याद रखना इसमें एक्सपोनेंशियल आया तो पुट डी इक्वल टू ए, ई के पावर में का जो नंबर होता है वो पुट करते हैं अपन। ओके इसी में एक नोट बोल के याद रखो पी आई अगर ऐसा आया वन अपॉन एफ ऑफ डी कॉन्स्टेंट अगर आया तो इसको क्या लिखते हैं अपन, कांस्टेंट को लिखते हैं के इनटू ई टू द पावर जीरो एक्स एंड देन पुट डी इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो। इसमें और एक होता है ई टू द पावर एक्स आ जाता है कभी कभी, हाँ नोट ई टू द पावर एक्स आया तो उसको क्या करना ई टू द पावर लॉग ए इनटू एक्स लिखना एंड देन पुट d इक्वल टू लॉग ए, ए टू द पावर एक्स अगर आया तो क्या पुट करना है d इक्वल टू लॉग ए पुट करना है वहां पे आरएचएस में इस टाइप में। इसका दूसरा देखो केस फिल डिनोमिनेटर में, हाँ वैल्यू पुट करने के बाद डिनोमिनेटर में जीरो आया तो केस फिल होता है, फिर वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे होता है।
क्योंकि ऐसे वो ओवरली आपको समझ में नहीं आए। दूसरा इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, व्हेन आरएचएस कंटेन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। आज दो केसेस पढ़ लो, ये पहला केस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आया तो पुट डी इक्वल टू ए, ओके, और फिर डिनोमिनेटर में जीरो आया तो केस फिल, केस फिल हुआ तो क्या करते हो मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। अब मान लो पी आई आप फाइंड कर रहे हो, राइट हैंड साइड में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, ए एक्स या ए एक्स प्लस बी, ए एक्स माइनस बी, कुछ भी चलेगा केस। पॉपुलरली हम साइन या कॉस आया तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। स्पेसिफिकली टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर आते हैं साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स तो क्या पुट करना है दोस्तों, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर हमें पुट करना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ओके। अब उसमें कुछ फॉर्मूले बार बार लग सकते हैं, पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, दूसरा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन आया तो माइनस आता, कॉस आया तो प्लस आता, साइन क्यूब थीटा वन बाय फोर थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा फोर्थ, कॉस क्यूब थीटा वन बाय फोर थ्री कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा फिफ्थ, साइन ए कॉस बी वन बाय टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, सिक्स कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी क्या होता है वन बाय टू कॉस ऑफ ए प्लस बी। देखो अच्छे से दोस्तों, ये फॉर्मूले पहले की है ट्रिगोनोमेट्री के इलेवन के या आपके पॉली के डिप्लोमा के लेवल के, कॉस ए कॉस बी, और एक होता है साइन ए साइन बी वन बाय टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ओके। तो इतना याद रहे, देखो केस फेल वाला मैं एक आध प्रॉब्लम लेकर आपको बताऊंगा कि हाउ केस फेल्स एंड व्हाट वी हैव टू इंप्लीमेंट, विच स्ट्रेटेजी वी हैव टू इंप्लीमेंट, फिर हमें क्या करना होता है वो हम देखेंगे, ओके दोस्तों। तो टेंशन वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे, दो मेथड अच्छे से याद रखना है। पीआई का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पीआई में पीआई का फॉर्मूला है वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स, एफ ऑफ डी यानी नॉर्मली इक्वेशन इन डी होता है वो, सो पीआई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आता है ई टू द पावर ए एक्स और ई टू द पावर माइनस ए एक्स, देन इन दैट केस वी सब्स्टिट्यूट डी इक्वल टू ए, कॉन्स्टेंट आया तो कॉन्स्टेंट इंटू ई टू द पावर जीरो एक्स लिखकर डी इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो, और ए टू द पावर एक्स आया तो ए टू द पावर एक्स कैन बी कन्वर्टेड एज e to the power log a into x, then we put d equal to log a, we put d equal to log a pi, अगर हाँ दूसरा टाइप sin या cos ax आता है, देखो शॉर्टकट में याद रखो एक्सपोनेंशियल आया तो d equal to a पुट करना है, और ट्रिगोनोमेट्रिक में स्पेसिफिकली sin ax या cos ax आया तो क्या पुट करना है, d square is equal to minus a square, और ये वही कुछ फॉर्मूले पुराने ट्रिगोनोमेट्री के जो बार बार यूज में आते हैं, ट्रांसफॉर्म्स में भी लगते हैं, बहुत जगह ये फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, ओके। आई थिंक आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो ज्यादा ना पढ़ाते हुए आज इतना ही बताऊंगा, बच्चे वाला कुछ बेसिक्स और फिर प्रॉब्लम्स हम कल से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके चले, थैंक यू दोस्तों, बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में, ओके सी यू देन, थैंक यू।